पावन सुपनामा तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए टिकटॉक का एक और न्यू एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके। दोस्तों अगर आप टिकटॉक चलाते हो तो टिकटॉक पे आप कृष्णा भाई को जानते होंगे, तो जो है स्लोमो वीडियो बनाते हैं और अपनी वीडियो को वीएफएक्स यूज करते हैं अपनी वीडियो में, और उनकी वीडियो काफ़ी कमाल की और काफ़ी यूनिक लगती है। और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि कृष्णा भाई अपनी वीडियो किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से उसमें वीएफएक्स डालते हैं, किस तरीके से स्लोमो डालते हैं, किस तरीके से स्मोक डालते हैं, वो किस तरीके से अपना वीडियो बनाते हैं, तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज कृष्णा भाई के जो है वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। अभी जो है उनकी जो ये वाली वीडियो अभी देख सकते हैं साइड में, तो ये वाली वीडियो अभी टिकटॉक पे ट्रेंड चल रही है, तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो को यूज करके इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं, और आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि कृष्णा भाई अपनी इस तरीके की वीडियो कैसे बनाते हैं। आप लोगों को ये वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि कृष्णा भाई अपनी वीडियो को किस तरीके से बनाते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे एडिटिंग करनी है, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा, और आप सभी लोगों का हमारे इस मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले अपने कैमरा से आपको इस तरीके की वीडियो को रिकॉर्ड करना होगा। आपको अपने बाल वगैरह ख़राब कर लेने होंगे और एक माला ले लेनी होगी इस तरीके की, कैसी भी है वैसी आप ले लीजिए। सेट आप लोगों को मतलब पहन लेनी होगी कोई नॉर्मल सी, और यह देख एक्टिंग कैसे करनी है, आप माला रख लेनी होगी, और ये आप लोगों के मेन पार्ट हैं एक्टिंग के, ये देख सकते हैं ये पागल हो गया है। तो इस तरीके से एक्टिंग करनी होगी आप लोगों को, और ये देख सकते हैं इस तरीके से एक्टिंग करनी होगी, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को रोक के आप लोगों को सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करना होगा कपड़े चेंज करके। ये आपको माला डाल लेनी होगी, और डालने के बाद आप लोगों को इसी तरीके से उस पोजीशन में पहुँच जाना होगा, और देख सकते हैं कैमरा को मैं चालू कर लेता हूँ, इस पोजीशन में हो जाना होगा और ऐसे आप लोगों को घूमना होगा। तो एक बार नहीं होता, दो बार कीजिए, तीन बार कीजिए, और कपड़े आप लोगों को सही पहन लेने होंगे, थोड़ा सा आप खुलिया बना लेना तो अच्छी। तो ये देख सकते हैं दो एक बार करना, दो बार करना, तीन बार अपने आप सही से हो जाएगा। तो मैंने ये जो कम करने के लिए लगभग 7-8 बार ट्राई किया था, तब जाके मुझसे ये हो पाया था। थोड़ी थोड़ी मतलब एक्टिंग होती है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बाल वगैरह आपको सेट कर लेने होगी, ये पागल मतलब बाल सेट कर रहा है अपने, अभी ज़रूरी था क्या बाल सेट करना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को बाल फिर लग गया बाल सेट करने में। तो ये देख लो भाई, अपने सेट कर लेना इस जो भी लास्ट की एक्टिंग करो। तो फिर से मेरी जो फर्स्ट में एक्टिंग सही नहीं हुई थी, तो फिर से मैंने एक्टिंग करने की कोशिश की। तो इस तरीके से आप लोगों को करना होगा, देखा आपने मैंने जैसे किया था वैसे ही आप लोगों को करना, और ये एक्टिंग करनी होगी, ठीक है। ये जो जहाँ जहाँ जितने पार्ट हैं स्टेप हैं उतने करने होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, और ये जंप करना होगा इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पर्दे के पीछे ये पागलपंती की जाती है, तब एडिटिंग होती है और तब हाई क्वालिटी वीडियो बनती है, ऐसे ही पागलपंती करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है, अब मैं आप लोगों को एडिटिंग सिखाता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को अब अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। अगर आपके पास नहीं है काइन मास्टर तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना होगा और 9.60 का रेशियो ले लेना होगा, और यहाँ पे रेशियो लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने मीडिया पे क्लिक करना होगा, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप अपने कैमरा से जितनी भी वीडियो की क्लिप आपने रिकॉर्ड की हैं उनको आप क्रम से उठा लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इन वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया था, तो देख सकते हैं मैंने लगभग 1, 2 और 3 क्लिप में वीडियो को रिकॉर्ड किया है। तो मैंने यहाँ पे जो है तीनों क्लिप को उठा लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को कटआउट वगैरह करना होगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इधर ऐसी एक्टिंग है, तो यहाँ से आगे से जो कैची वाले आइकन से क्लिक करके मैं डिलीट कर दूंगा, और जहाँ से पीछे से मेरी एक्टिंग है यहाँ पे देख सकते, इसका जो साउंड है वो फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, और इस वाले लेयर का भी आप साउंड जो है ऑफ कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, साउंड ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वीडियो को मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की एक्टिंग है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे रोकना होगा और पीछे से इसे कट कर देना होगा, ठीक है। जैसे मैंने किया वैसे करना होगा, मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस जगह पर आना होगा, और यहाँ पर इस जगह से जो आपको देख सकते हैं जहाँ से मैं राउंड मारूँगा यहाँ पर ये यहाँ, तो फिर पहले फेज से जाता हूँ यहाँ, आगे से मैं कट कर दूँगा, वीडियो को प्ले करूँगा, और देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे रुकना होगा और इधर इसे बीच से आप लोगों को कट कर लेना होगा। वीडियो को मैं प्ले करता हूँ यहाँ से और देख सकते हैं, यहाँ इस जगह पे रुकना होगा, यहाँ यहाँ तो इस जगह जहाँ से मैंने ऊपर किया था हाथ, ये देख सकते हैं यहाँ, तो ऊपर से मैं जो है किया था, तो इसे मैं पीछे आगे से कट कर देता हूँ बेस्ट और वीडियो को प्ले करता हूँ यहाँ। तो इस जगह पे आप लोगों को रुकना होगा यहाँ और बीच से इसे कट कर लीजिए इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को मैं यहाँ से प्ले करता हूँ और आगे से जो है बेस्ट पार्ट है इधर, तो यहाँ से मैं जो है आगे से कट कर दूँगा और वीडियो को यहाँ से प्ले करूँगा इधर, इसे रोक लूँगा यहाँ और पीछे से इसे मैं कट कर दूँगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे कटिंग का काम कंप्लीट हो गया है और 1 2 3 4 मेरी क्लिप यहाँ पे बन चुकी हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मीडिया पे क्लिक करूँगा। मीडिया पे क्लिक करने के बाद उस भाई का मैं वीडियो उठा लूँगा यहाँ से, इसी का मैंने एक्टिंग की थी सारी, तो इसका मुझे साउंड चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक कर दूँगा, तो ये वीडियो का साउंड नीचे आ जाएगा और इस वीडियो की जो साउंड है वो मैं इधर ले कर आ जाऊँगा। अपनी वीडियो मैंने सेट कर दिया यहाँ पर, सेट करने के बाद इस वीडियो को मैं प्ले करूँगा। यहाँ पहले लेयर को बीच से मैं खींच लेता हूँ इस तरीके से। अब वीडियो को यहाँ से मैं प्ले करूँगा और देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ से ये एक्टिंग है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे आप लोगों को रुकना होगा और ये देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ से ये चेंज होगा आप देख सकते हैं, तो इधर से और ये देख सकते हैं यहाँ पे इधर से, इसे मैं आगे से जो है कट कर दूँगा और ये वाली क्लिप मैं उठाऊँगा यहाँ से, ये वाली ये देख सकते हैं आप, तो ये यहाँ से मैं जो है पीछे आऊँगा थोड़ा सा और यहाँ से पीछे आने के बाद यहाँ इसे बीच से मैं कट कर लूँगा। बीच से कट करने के बाद यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करूँगा और ये वाला जो है बेस्ट पार्ट है, तो मैं इसे भी यहाँ से जो है भाई का जो वीडियो की क्लिप है उसे भी मैं यहाँ से हटा दूँगा और ये वाली क्लिप मैं यहाँ से ले लूँगा। देख सकते हैं आप, बीच से इसे कट कर लूँगा और ये वाली वीडियो की जो लेयर डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो कुछ ये वाली क्लिप मेरी आ जाएगी और यहाँ पे ये वाली जो क्लिप है मैं यहाँ से जो ये वाली इस भाई की वीडियो की क्लिप में कट कर लेता हूँ बीच से, और ये वाली क्लिप में यहाँ से जो है भाई की क्लिप में यहाँ से डिलीट करूँगा, यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ इसे। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाली जो क्लिप है मैं उठा के इधर पीछे लेके जाऊँगा, तो पीछे लेके जाने के बाद आपको अपनी वीडियो के क्लिप में ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ आ गया हूँ और इसके पीछे मैं इस क्लिप को लगा दूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे इस क्लिप को मैं सेट कर दूँगा। ये देख सकते हैं मेरी यहाँ पे ये क्लिप सेट हो चुकी है। अब मैं ये वाली क्लिप उठाऊँगा जहाँ से मैं जंप किया था, वो क्लिप वहाँ से मतलब मैं ऐड कर दूँगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ गया हूँ और जहाँ से मैं जंप किया था, तो ये देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ पे इसे मैं सेट कर दूँगा। अब दोस्तों ये वाली जो मेरी क्लिप है जहाँ पे मैं हाथ जोड़ता हूँ, तो इसको मैं उठा के मैं क्लिप को सबसे पीछे लेके जाऊँगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को पीछे लेके जाना होगा और इसे यहाँ पे सेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो क्लिप है वो सही तरीके से एडजस्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से ये मतलब यहाँ पे ऐड हो गई हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे एक्टिंग करनी होगी आप लोगों को। और ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इतना काम हो गया मेरा, तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को स्लोमो डालना होगा, थोड़ा सा और कट वगैरह करना पड़ेगा, वो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करूँगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, तो थोड़ा सा और प्ले करता हूँ इधर, तो जहाँ से मैं ये सामने देखता हूँ, देख सकते हैं यहाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को, और इसे मैं बीच से इसे कट कर लूँगा। कट करने के बाद यहाँ पे आगे आऊँगा, आगे आने के बाद यहाँ पे इसे भी मैं बीच से यहाँ से कट कर लूँगा। कट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोगों को जो स्पीड कंट्रोलर मिलेगा यहाँ पे, तो स्पीड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोगों को स्पीड इसमें डाल देना होगा। तो इस तरीके से जितना आप स्पीड यहाँ पर डालना चाहते हैं उतना स्पीड यहाँ पर डाल दीजिए, और वीडियो को यहाँ से मैं प्ले करता हूँ इस तरीके से। और इस वाली लेयर में आप लोगों को इसमें स्पीड में जाना होगा और इसे आप लोगों को स्पीड इसमें बढ़ा देनी होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड बढ़ चुकी है, और इसमें भी आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को मैं यहाँ से प्ले करूँगा और इधर, तो स्पीड इसमें भी जाऊँगा और इसकी भी स्पीड में बढ़ा दूँगा इस तरीके से। स्पीड बढ़ाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और इधर, यहाँ पर इसकी स्पीड में जो है वीडियो को प्ले करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं, तो वीडियो को मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ रुकना होगा आप लोगों को और इससे बीच से आप लोगों को यहाँ से कट कर लेना होगा। कट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ ये पार्ट जो बेस्ट पार्ट है बीच से, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिए यहाँ इस तरीके से।
इसमें आप लोगों को स्पीड में जाना होगा, इसमें स्पीड आप लोगों को बढ़ा देनी होगी यहाँ पे, और ये देख सकते हैं। और इस जगह पे ये ट्रांजिशन आएगा और वीडियो को यहाँ से मैं प्ले करूँगा, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे बेस्ट लग रहा है, तो मैं आगे से इसे कट करूँगा और वीडियो को मैं प्ले करूँगा यहाँ पे, इस जगह रोकूँगा और इसे पीछे से मैं कट कर दूँगा और वीडियो को मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग सही लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे इस जगह पे आप लोगों को रुकना होगा और यहाँ यहाँ पे आप लोगों को बीच पीछे से इसे कट कर लेना होगा और ऊपर से जहाँ से मैं हाथ नीचे लेके आता हूँ यहाँ यहाँ बीच से इसे कट कर लेना होगा और इस वाली लेयर में आप लोगों को स्पीड में जाके स्लोमो डाल देना होगा इस तरीके से, ठीक है। स्लोमो डालने के बाद देख सकते हैं मेरी वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं वीडियो को यहाँ से प्ले करता हूँ और प्ले करने के बाद देख सकते हैं ये एक्टिंग रहेगी हमारी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इस जगह पे हमें क्या करना होगा, इस जगह पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को इस जगह पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे चैनल ट्विस्ट पे आप लोगों को चैनल ट्विस्ट डाउनलोड कर लेना होगा। गेट मोर पे चले जाइए, यहाँ पे चैनल ट्विस्ट मिल जाएगा ये ऑप्शन, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। और मैं यहाँ पे चैनल ट्विस्ट इसे वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये क्रोमिक जूम ये वाली, मतलब आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोमिक जूम और इसे सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं हमें वीडियो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वीडियो को मैं जो स्मोक डालूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ से मैंने सेट चेंज की थी वहाँ से मैं स्मोक डालूंगा यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करूँगा, मीडिया पे क्लिक करूँगा। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो मैं स्मोक वाली वीडियो की लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे स्मोक को ऐड कर लिया है और इसको आप लोगों को जो है क्रोमा की में, सॉरी, नीचे आना होगा, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना होगा और इसे आप लोगों को ब्लेंडिंग में स्किन को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा। और आप देख सकते हैं ये इस तरीके से स्मोक आ जाएगा आपकी वीडियो में, ठीक है। और इधर से ये स्मोक आप लोगों को डिलीट कर देना होगा इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा, करने के बाद दोस्तों आप इस वीडियो को यहाँ से भी इस टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हो। लेकिन सो गाइस, उम्मीद करता हूँ अब कृष्णा भाई का आप जो है ट्यूटोरियल सीख चुके होंगे और ये जो वीडियो टिकटॉक पे ट्रेंड चल रही थी कृष्णा भाई की, उस वीडियो का आप ट्यूटोरियल सीख चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है एडिटिंग करने में या कहीं पे भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आती है XYZ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और आप लोगों को किसी ट्रेंड वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर उस वीडियो को सेंड कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए उस वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोगों को मिल जाए। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।